देखते हैं आप लोग के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में है। ये एग्ज़ाम है पैरामेडिकल परीक्षा के बारे में, जो आप लोग पहले से जान रहे हैं इसके बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, इस परीक्षा में डिले हो रहा है। आप जानते हैं कि पहली काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और एडमिशन ले लिया गया, लेकिन जो दूसरी काउंसलिंग है उसमें उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आ रही है। और इस वजह से जो है काफ़ी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी एक मुहिम है, लाइफ हाई स्टडी की एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं और आपकी इस मांग को, आपके परीक्षा की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए और तत्काल इस पर निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द जो है इस एग्ज़ाम की डेट को रिलीज करवाया जाए अथॉरिटी से, ताकि बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उसके बारे में भी हमें अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। और उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, लाइफ हाई स्टडी आप लोगों के साथ खड़ी है। और बहुत सारे छात्रों का संदेश आता है, मैसेज आता है, कॉल्स आते हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए, बताइए कि कब एग्ज़ाम होगा। और हमने कई बार पैरामेडिकल अथॉरिटी को कई बार मैंने कॉल किया, कई सारे पत्र लिखे और मैंने कई माध्यमों से मैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और संपर्क किया, परंतु उनके तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आता है। और बार बार यही कहा जाता है कि आप जो है हमारे साइट पे आइए और बार बार जो है आप संदेश चेक करते रहिए, हमारी तरफ से जो कुछ भी नई सूचना जारी की जाएगी आप देखते रहें। ये कई महीनों से चल रहा है, काफ़ी दिनों से जो ऐसा ही बार बार हो रहा है कि आप साइट देखते रहिए। ये मान के चलिए कि इस तरीके से आप किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे चला सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए आपके पास एक कोई समय सीमा होनी चाहिए, कि आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। और बिना लक्ष्य के आप कहते हैं कि आप देखते रहिए, तो इस तरीके से आप किसी भी देश की और किसी भी छात्र के हित का काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही परेशानी होती है। आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में एक चित्र लगा हुआ है और जिसमें एक गरीब लड़की जो है अपनी पढ़ाई कर रही है, लेकिन ये पढ़ाई क्यों कर रही है? सभी लोगों का जो है जीवन में एक उद्देश्य होता है कि हम गरीब हैं तो क्या हैं, अगर पढ़ लिख लें तो अपने जीवन में और अपने समाज को जो है कुछ ना कुछ हम बदलाव लाएंगे और समाज की अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब एक युवा अपने जीवन में बहुत सारे त्याग देकर शिक्षा ग्रहण करता है और जब वो समाज को कुछ देने के काबिल हो जाता है, तो फिर उस समय उसको उस तरह का अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिया जाता है? तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हमारे विभाग में है, इसको ठीक करने के लिए हम सभी छात्रों को एकजुट होना होगा। आपकी आवाज़ को जैसे हम उठा रहे हैं लाइफ हाई स्टडी के माध्यम से, उस तरीके से आप लोग को भी एक छोटा सा योगदान देना होगा कि हमारी इस मुहिम को, कि आपकी आवाज़ को हमारे समय हमें सरकार तक पहुंचाना है, उसके लिए आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है हमसे जुड़ें और हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकें और जो है आपको एक जो आपका जो अधिकार बनता है, आपका जो न्याय होता है, आपको न्याय दिलाने में हम आपकी मदद कर सकें। तो दोस्तों ये जो है यही एक मुद्दा है। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि इस पैरामेडिकल परीक्षा जो सेकंड काउंसलिंग की बात हो रही है, सेकंड काउंसलिंग की जो डेट निर्धारित नहीं की गई है, जो कई सारे ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको कॉलेज पसंद नहीं आया, चाहे वो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉब्लम हो या दूरी की वजह से प्रॉब्लम हो या कई और तरह की बातें हो, तो वो क्या किए कि अपनी कैंसिल करवा लिए फर्स्ट काउंसलिंग से और सेकंड काउंसलिंग में वो सोचे कि हम मैं एडमिशन करवा लूँगा। लेकिन सेकंड काउंसलिंग वाले के लिए जो है अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि उनका एडमिशन कब होगा, उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं इनको दूर करने के लिए आप सभी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं सभी अपने बिहार के छात्रों से कहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस मुहिम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और हमारी सरकार से एक और गुजारिश ये रहेगी कि
आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है अनियमितताएं हमारे शिक्षा विभाग में काफ़ी अनियमितताएं हैं और जिसकी वजह से जो है छात्र काफ़ी परेशान नजर आते हैं। तो और साथ ही साथ उनका एज भी काफ़ी हो गया होता है, उनके माता पिता उन पर शादी का दबाव बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लड़की कह रही है कि बाबूजी मेरा शादी करा देंगे, इसका मतलब ये है कि इन पर काफ़ी दबाव होगा और ये चाहती है अपने जीवन में एक आत्मनिर्भर बनना। जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनने की तो कोशिश ज़रूर कर रही है खुद से, लेकिन कुछ ना कुछ इससे सहयोग मिलना चाहिए हमारे सरकार की तरफ से, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार जल्द ही इस पर संज्ञान लेगी और एक समय सीमा निर्धारित कर देगी ताकि परीक्षा कब होनी है, कब नोटिफिकेशन आना है, कब एग्ज़ाम लेनी है और किस डेट को फर्स्ट काउंसलिंग होनी है, किस डेट को सेकंड काउंसलिंग होनी है। इस तरह का कोई एक जो है निर्धारित समय सीमा बना लेना चाहिए सरकार को और हर साल उसी निर्धारित समय सीमा को फॉलो करना चाहिए ताकि विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तैयारी करे अच्छे से और अपने भविष्य को बेहतर करे। तो हमारी आप लोगों के लिए यही शुभकामना है कि आप जल्द से जल्द अपनी परीक्षा को दे पाएँ और इसके लिए आप हमारी मुहिम में शामिल हों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।